दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां हजारों की संख्या में पूरे दिल्ली से पूरे देश से कार्यकर्ता पहुंचे हैं उस बिल का विरोध करने के लिए जो लोकसभा में लाया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल की शक्तियां छीनकर, यानी दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनकर एलजी के हाथ में सौंप दी जाएगी और जनता द्वारा चुनी गई सरकार का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी बड़ी सेना आज आप लेकर आए हैं, क्या कहेंगे और क्या आवाज उठाएंगे आज? देखिए, ये सेना मेरी नहीं है, ये सेना आम आदमी पार्टी की सेना है, श्री अरविंद केजरीवाल जी की सेना है। और जिस तरीके से आज चुनी हुई सरकार की शक्तियों का हनन किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आज तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पे हैं और निश्चित तौर पर भाजपा को सुनना पड़ेगा और ये कानून वापस लेना पड़ेगा। बिल में ये कहीं नहीं है कि एलजी जो बाध्य होगा साइन करने के लिए, सिर्फ ये है कि फैसलों की फाइल उस तक पहुंचाई जाएगी। नहीं नहीं, आप शायद पढ़ के नहीं आए कानून। पहली बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सरकार मतलब जो हमारी जो विधानसभा बनाएगी उसको सरकार कहलाया जाएगा, नए बिल में प्रावधान लाया कि अब जो सरकार एलजी कहलाएंगे। दूसरा, अब जो भी जो मंत्री फैसला लेंगे पहले एलजी जी को पास भेजेंगे, एलजी का कि जो फैसला लेने का अधिकार एलजी को देगा, अगर वो कहेंगे तब उस पर डिस्कशन, अन्यथा नहीं होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया और क्लियरली दिल्ली सरकार के कामों को और केंद्र सरकार के कामों को बांट दिया, एलजी के काम को और दिल्ली सरकार के काम को बांट दिया, तो अभी नया कानून किस लिए? सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कर दिया था तो नए कानून को मुझे लगता नहीं कोई जरूरत थी, औचित्य था। कानून के बाद नुकसान क्या है पार्टी का? देखिए, जब एक चुनी हुई सरकार है, जब आप फ्रंट में, हम लोग विधायक है, चुन के आते हैं, जनता के उत्तरदायित्व हम लोग को जवाब देना होता है। आप नौकरशाहों से सरकार चलाना चाहते हैं, एलजी के माध्यम से, जो किसी को आंसरेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जनता का जवाब दे, तो चुनाव होता है 5 साल बाद, एलजी का कोई चुनाव नहीं होता। तो एलजी की मनमानी चाहिए, जब उसको कोई जवाबदेही तय नहीं है तो वो जवाबदेही कैसे होगा? तो मनमानी तरह सरकार चलेगी, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं। आंदोलन से क्या होगा? किसान आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा हो गए, लाखों किसान बॉर्डर पे हैं, उसका कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह के आंदोलन से कैसे जो है बिल वापस होगा? देखिए, लोकतंत्र में जब सरकार अंधी और बहरी हो जाए तो यही एक माध्यम होता है उनको जगाने का। तो आज दिल्ली सरकार, पूरी कैबिनेट, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के सांसद, दिल्ली के सभी विधायक, पार्षद और तमाम दिल्ली के कार्यकर्ता सड़क पे हैं। और जब आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे उतर जाते हैं तो बड़े बड़े लोग कान सुनने लग जाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और इस बिल को वापस लेगी। विधायक विनय मिश्रा जो यहां साथ देने आए हैं केजरीवाल का, और ये कह रहे हैं कि जो बिल है ये सरकार को वापस लेना ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।